अभी मैं जा रही हूँ रंगा पहाड़ का जो शिव मंदिर है फेमस दिमापुर का, वहाँ पे। तो एक चीज मुझे यहाँ पे पता चल रही है, दिमापुर का जो रास्ता है बहुत ज्यादा खराब है, रियली नीड्स रिपेयरमेंट। और दिमापुर का जो रेलवे स्टेशन है, यहाँ से एक्चुअली रंगा पहाड़ का जो शिव मंदिर है, इट्स अराउंड 15 किलोमीटर्स और लाइक 17 किलोमीटर्स एंड इट विल टेक 30 मिनट्स फ्रॉम हियर। सो लेट्स गो एंड सी। शहर से थोड़ी दूर है लेकिन भोले बाबा से मिलने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो मैं ऐसे थोड़ा अच्छा रास्ता थोड़ा ख़राब रास्ता ऐसे होके मैं पहुँची रंगा पहाड़ का शिव मंदिर। तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं। एक्चुअली मैं दिमापुर पहुंचने के बाद मैंने गूगल पे सर्च किया कि ऐसा क्या है दिमापुर में देखने के लिए। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे ये भोले बाबा का मंदिर के बारे में पता चला, और भोले बाबा का मंदिर के बारे में जानने के बाद मैं खुद को रोक नहीं पाई। तो जल्द ही मैं नहा धो के ठीक से चली आई मंदिर दर्शन करने के लिए। तो दोस्तों चलिए जानते हैं पुजारी जी से मंदिर का महत्व के बारे में। मंदिर जी, ये मंदिर हम लोग को 1961 में मिला था। अच्छा, मेरे ग्रैंडफादर के जमाने से और हम लोग इस सिंगरेजान से हैं। मैं इधर का पंडित हूँ, मेरे पिताजी बड़े पंडित हैं और एक ग्रैंड फादर से सबसे पहले इस्टेब्लिश किया था मेरे ग्रैंड फादर ने। ये नागालोक को मिला था, नागालोक का मिलने के बाद नागालोक हम लोग का हैंड ओवर कर दिया हिंदू लोग। तो हिंदू का सबसे बड़े पंडित थे मेरे ग्रैंड फादर, उन्होंने आके पूजा करके मंदिर को शुरू किया है। जब से शुरू किया अभी तक चल रहा है, उनका कृपा है सभी को, और जितने भी आदमी लोग आते हैं सभी पूजा करते हैं, श्रद्धा करते हैं उनके ऊपर। अंदर का वीडियो ले लो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। यहाँ पे माता रानी का मंदिर भी है ना। अच्छा, 1961 में ये मंदिर मिला था। अच्छा, 2012 में माँ दुर्गा का मंदिर बनाया गया। अच्छा अच्छा, ठीक है। यहाँ के लोग मानते कि यहाँ पे किसी नागा इंसान को मिला था शिवलिंग, उन्होंने पत्थर समझ के वहाँ पे जो नाइफ है नागा नाइफ वो शापन करने के लिए यूज़ किया था। लेकिन उनके सपने में शिवजी आए और उन्होंने उनको बताया कि ये शिवलिंग है, और उसके बाद उस नागा भले इंसान ने हिंदू धर्म के एक पुजारी को ये शिवलिंग स्वॉप दी, और तब से 1961 से यहाँ पे पूजा हो रही है। और इंटरेस्टिंग बात बताऊँ कि हर साल थोड़ी थोड़ी करके शिवलिंग बड़ा हो रहा है, और इस मंदिर का बहुत महत्व है। आप लोग अगर कभी दिमापुर आते हैं, कभी नागालैंड आते हैं, तो फिर रंगा पहाड़ का जो शिवलिंग मतलब शिव मंदिर है वो ज़रूर दर्शन करिएगा। सो फ्रॉम द रंगापहाड़ शिव मंदिर, नाउ आई एम इन द जू ऑफ नागालैंड विच इज़ इन दिमापुर। सो यहाँ पे ना ऐसे जू के अंदर थोड़ा चलने के लिए असुविधा होता है क्योंकि दूर है, तो यहाँ पे ऐसे बैटरी रिक्शा मिल जाती है विच कॉस्ट 30 रुपीज एंड यू हैव टू बाय अ टिकट फॉर दैट। हाँ, इंडियन वुल्फ है। क्या है? टैगल और जैकल। अच्छा, जैकल है वहाँ पे। ओके, जू के अंदर मुझे कैंटीन दिखाई दी और इस वजह से मेरा दिल खुश हो गया। कम से कम मुझे चाय तो मिलेगी यहाँ पे, तो मैं खुश हो गई इस बात को सोच के। द एनवायरनमेंट हियर इन द जू इज वेरी पीसफुल एंड आई कैन सी अ लॉट ऑफ विजिटर्स टुडे। सो द नेशनल लाइक द स्टेट बर्ड ऑफ नागालैंड इज हॉर्नबिल। सो आई एम वेरी एक्साइटेड that I'll get a chance to see the hornbill bird today. So this is the state bird of Nagaland, the hornbill. It's a beautiful bird with a long beak.
That's hornbill. A pair of hornbill sitting there, right on the top. Also a lovely Indian peacock. It's a black kite. There you can see the bird. Hello. You look damn cute. Bahut hi pyara sa hai. I guess this is the slow moving loris, if I am not wrong. This is the house for the tiger, and as I can see, the tiger is hiding actually. It's a very soft, gentle animal. If you don't disturb a tiger, it won't attack you. Indian peacock. Hi. Hello, buddy. A lovely pair of parrots. So blessed to see the second largest bird of the world, the emu, here in the zoo. It's really lovely, a pair of big emu here in the zoo. I like the color. Beautiful animal. So these are some kids that I met on the zoo, and they have come with their teachers to see the different kind of animals that are in the zoo. Say hi. Hi. There you can see Mr. Bear is sitting. The environment is peaceful. And there you can see lots of cool going kids. So chaliye dekhte hain. Oh, yahan pe zoo mein bahut sari phool bhi khil rahi hai. These are wild flowers. Aur zoo ka ticket mujhe laga 20 rupees. और जू के अंदर जाने के लिए जो मैंने बैटरी रिक्शा ली थी उसका मेरे को चार्ज लगा 30 रुपीज़. एंड मैंने एक्चुअली जर्नी शुरू की थी दिमापुर रेलवे स्टेशन के पास के होटल से. तो वहाँ से मैं रंगा पहाड़ शिव मंदिर गई. उसके बाद मैं जू मैंने देखा, और उसके बाद और एक दो डेस्टिनेशन देखूँगी. एंड द टोटल फेयर दैट आई एम पेइंग टू द रिक्शा ऑटो रिक्शा इज़ 600 रुपीज़. सो उतना ही लेता है पूरा टूर के लिए. ये है जू का गेट, नागालैंड जूलॉजिकल पार्क. बहुत ही खूबसूरत है. और ये है टिकट काउंटर. एज यू कैन सी, दिस इज ऑल्सो ए आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ इंडिया. इट एक्चुअली बिलोंग्स टू 10th century. एंड दीज थिंग्स वेर बिल्डअप बाई द कोसारी किंग्स who ruled Dimapur once upon a time. These are some sculptures actually, कुछ stones cutting remainings है. ये 10th century में धनसिरी नदी के किनारे जो कसारी लोग का जो उस time kingdom था, empire था, तो उस वक्त का चीज है. और these are some remainings of the fort of that time of Dimapur. तो ये जस्ट अराउंड 10 मिनट्स डिस्टेंस है दिमापुर रेलवे स्टेशन से. और आप लोग ऑटो भी यहाँ पे मतलब भाड़ा करके आ सकते हैं. और मैक्सिमम 10 मिनट्स लगता है. और यहाँ पे आने के लिए कोई आपको टिकट वगैरह लेने का कोई ज़रूरत नहीं है. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट. और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको अच्छी तरह से कंजर्व करके रखने के लिए इस तरह से मतलब ये करके रखे हैं, रेलिंग वगैरह देखे. तो मैं जितना हो सके आप लोग को दिखाने का कोशिश कर रही हूँ.
ना कोई भी हिस्टोरिकल प्लेस आते हैं तो उसका हिस्ट्री को जानने का बहुत कोशिश करते हैं, एंड इट रियली फील्स गुड क्योंकि उस ज़माने का राजा महाराजों का बना हुआ चीज़ अभी तक इतनी अच्छी तरह से रखी हुई है, ये देखिए सच्ची में बहुत अच्छा लगा। तो इवन दिस इज़ अ टूरिस्ट प्लेस ऑफ दिमापुर, इफ़ यू कम आप लोग यहाँ ज़रूर आइएगा देखने। So here we have the sticky rice, the boiled vegetable, bamboo shoot pork, the dal, boiled vegetable again, then chutney, and this one is also kind of pickle, I guess. So these are the things that I'm getting in the thali. Look at the piece, so big. तो ये खाने जा रही हूँ पॉक, पॉक बैम्बू शूट के साथ बनाया हुआ। वेरी वेरी टेस्टी। थैंक यू। I have actually heard about this hotel long time back from my friends, और उसके अलावा भी YouTube blogs में भी देखा है। तो फिर यहाँ आके खाने को बहुत मन है। ऐसे पॉप के पीसेस बहुत अच्छे होते हैं, आई मीन वेरी टेस्टी होती है। एवरीथिंग इज बॉइल्ड हियर और बॉइल्ड खाने का टेस्ट ही अलग है। चलिए आप लोग को दिखाती हूँ होटल का व्यू और मेनू। गाइस होटल का नाम है द नागाबॉल, ये है होटल का मेनू। आप लोग कभी दिमापुर आइएगा तो यहाँ जरूर आइएगा। आज का ब्लॉग मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय।